Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी बेबी कॉर्न इन चाइनीज स्टाइल. आई होप आप लोगों को पसंद आएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने इन बेबी कॉर्न्स को अच्छे से बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है और पोंछने के बाद इसे कुछ इस तरीके से हम काटेंगे. तो मैंने बेबी कॉर्न्स काट के रेडी कर लिए हैं. अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट. एंड क्रश्ड ब्लैक पेपर. अब इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर हमें इतना डालना है कि एक पतली सी कोटिंग हो जाए उसमें. इसे अच्छे से कोट कर लेंगे. आप चाहें तो इसकी स्लरी बना के उसमें भी डिप करके आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, बट ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद है. देखिए बेबी कॉर्न कितने अच्छे से कोट हो गए हैं कॉर्नफ्लावर से. अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे. तो डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है जो कि गर्म हो चुका है. तो मैंने ड्रॉप कर देंगे हॉट ऑयल में. तो बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है. अगर आपके पास बेबी कॉर्न पड़े हैं ना, तो सब्जी या स्टर फ्राइड वेजीज या किसी में डालने से अच्छा है कि आप ये चाइनीज स्टाइल ये बेबी कॉर्न बनाइए और फिर मुझे याद कीजिएगा. बट ट्रस्ट मी, दिस इज सो गुड. तो गाइस ये जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो हम इसे निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे. तो इसी तरह हम सारे बेबी कॉर्न्स को फ्राई कर लेंगे. धीरे धीरे ड्रॉप करिएगा. तो हमारा ये लास्ट पैच भी फ्राई हो गया है. तो हमारे बेबी कॉर्न्स फ्राई हो गए हैं. अब हम इन्हें सॉटे करेंगे. सॉटे करने के लिए मैंने यहाँ लिया बहुत सारा गार्लिक, बहुत सारा है लिटरली. तो मैंने 6-7 बड़ी कलियों को, क्लोव्स को मैंने चॉप कर लिया है. इसे सॉटे कर लेंगे ताकि गार्लिक का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए. हमें बर्न्ड गार्लिक का टेस्ट नहीं चाहिए. तो बस हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे. इसमें मैं एक ग्रीन चिली कट करके डाल दूंगी. आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको जितनी डालनी है उतनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डाल रही हूँ. आप 2-3 भी डाल सकते हैं. जब ये हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए ये शुरू हो गया है पकना, तो अब मैं डाल दूंगी इसमें ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट ऑफ ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन. और इसे भी सॉटे कर लेंगे. अब मैं डालूंगी इसमें हैंडफुल ऑफ कैशियोज. बेबी कॉर्न्स और हम इसे इन सब के साथ अच्छे
अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा डार्क लेयर, एंड स्प्रिंग अनियन। एंड में हम थोड़े से नमक के साथ इसे एडजस्ट कर देंगे नमक को, और एक नाइस सॉटे दे के मैंने इसकी गैस बंद कर दी है। और अब हम इसमें फाइनली थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, और चाइनीज स्टाइल बेबी कॉर्न आर रेडी। तो टेस्टिंग कर लें, चलिए प्लेटिंग करने के बाद टेस्टिंग करते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने कितनी इजी पीजी सी रेसिपी थी, और ये किसी भी पार्टी में या ऐसे ही घर में एक साइड डिश की तरह बहुत ही अच्छी तरह काम करेगी। मुझे तो ये डिश बहुत पसंद है। तो अब टेस्टिंग की बारी है, टेस्ट कर लेते हैं। यू नो आई लव गार्लिक, और जिनको अगर गार्लिक पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ऊपर से बेबी कॉर्न, दिस इज सो गुड एंड परफेक्ट फॉर द पार्टी। तो इसी तरीके की रेसिपी और देखने के लिए और भी एंटरटेनिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के सब्सक्राइबर और आपके व्यूज़ देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की क्रिएटिविटी आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर, और सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लेट मी फिनिश दिस।